श्रीकाल जी, सितारे की कहिंदे आ प्रोग्राम देख रहे हो तुसी, मैं आप सब नाल जस्सी मां। कहिंदे आ कि जो तुहाडियां पिठ पिछे गल्लां करदे आ उन्हां वल बड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए। पिठ पिछे मतलब कि तुहाडे तो पिछे ही है ना, अगे तो नहीं है, तो इहदा मतलब तुसी उन्हां नालों दो कदम अगे हो, तां ही तां तुहाडे पिछे तुहाडियां गल्लां हुंदियां ने। तां इस करके हमेशा अगे रहिण दी आदत है तुहानूं सक्सैस बनांदी है, ते पिछे मुड़ के अगर उन्हां नूं जवाब दोगे तां असीं आप ही अपने आप नूं टर्न करन दी कोशिश करांगे। इस करके उन्हां वल ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो तुहाडियां पिठ पिछे गल्लां करदे ने। इह अज दा शुभ विचार सी। इसे शुभ विचार नाल आपां करदे आं अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत। जानांगे पंचांग, पंचांग मुताबक ही की कहिंदे आ तुहाडे सितारे, इस ते चर्चा करांगे ते नाल ही वास्तु टिप दसांगे प्रोग्राम दे आखिर विच। पंचांग जानदे आं जी, 12 सितंबर 2023 दिन है मंगलवार दा। तिथि दी गल कीती जावे तां अज त्रयोदशी तिथि रहेगी। अश्लेषा नक्षत्र रात नूं 11:02 तक चलेगा, शिवा योग रहेगा। सितारियां दे मुताबक चंद्र महाराज यानी चंद्र राशि जो है कर्क राशि विच ही चंद्रमा रहणगे 11:01 तक। अश्लेषा नक्षत्र जो है गंडमूल दा नक्षत्र है, ते गंडमूल पूरा दिन बने ही रहणगे। भद्रा 26-22 तो शुरू हो जाएगी, भीम प्रदोष वर्त लवेगा कि कैलाश यात्रा आरंभ हो जाएगी। सितारियां दे मुताबक, ग्रहां दे मुताबक जो स्थिति है उस दे नाल मंगल जो है कर्क राशि विच सिंह राशि विच जाणगे तकरीबन रात नूं 11 बजे तक। तां पूरा दिन किस तरह दा जाएगा, शुक्र चंद्र की जुति हजे अज भी बनी रहेगी, सूरज बुद्ध की जुति बनी हुई है, बृहस्पत राहु की जुति बनी हुई है, यानी दो दो ग्रह तीन घर विच, ते मंगल इकले ही कन्या राशि विच बने हुए ने, ते केतु राहु की जुति जिदा आपां जानदे आ मेष ते तुला राशि विच चल रहे ने, ते शनि कुंभ राशि विच वक्री बैठे आ, यानी उल्टी चाल उन्हां दी बनी ही हुई है। पर हैगे कुंभ राशि विच है, बेशक उन्हां दी चाल वक्री है, पर कुंभ राशि च अपने घर सब ग्रह ही रहणगे। ठीक, राहुकाल की गल की जाए तो अज मंगलवार वाले दिन राहुकाल का टाइम 3 बजे तो लैके 4:30 बजे का टाइम राहुकाल का रहेगा। ये जी पंचांग, ते पंचांग मुताबक तुहाडे सितारियां दा हाल दसन तो पहला आपां मुबारक दईए उन्हां नूं जिन्हां दा जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, जां वैसे ही तुहाडे लई बहुत ही अच्छा दिन है, तुसीं इसनूं याद करना चाहुंदे हो, तुहाडे लई अच्छा होया सी। तां याद करन दा मतलब की है कि अपणियां दे नाल यादगारी कायम करना ते खुश रहना। अगर तुसीं खुश हो, तुहाडे आले दुआले दा औरा रिश्तेदार अपने खुश ने, तां समझो तुहाडे चेहरे की खुशी दुगणी, देख के तुहाडे अपणियां की दुगणी खुशी वध जाएगी। तो इस करके आप भी खुश रहना ते अपणियां नूं खुश रखना सब तो ज़्यादा जरूरी है। तो माता पिता का आशीर्वाद लैना तो दुनिया तो सब तो वड्डा आपां कह सकते हैं कि आशीर्वाद है, इस तो उत्ते कोई भी नहीं है। सब तो पहला सवेरे बुजुर्गों का ते माता पिता का आशीर्वाद लैके दिन की शुरुआत करो, तो चंगा रहिंदा है। घर के नाल नाल आले दुआले की एनर्जी भी शुभ की जाए, तो अपने इष्ट दे जाना मत्था टेकना, उन्हों का आशीर्वाद लेना, तो किसी अपाहज व्यक्ति उसकी जरूरत का सम्मान दे देना दिन के मुताबक, ग्रहों के मुताबक, तो युति के मुताबक, तो नाल आशीर्वाद के रूप में तुहानू हर चीज़ शुभ फल देगी। तो हमेशा ही अपणियां दे नाल नाल उन्हां दी ब्लैसिंग भी लो जिन्हां नूं कुदरत ने किसी ना किसी तरह वांझे रखिया है, पर सानू कुदरत ने अच्छी स्थिति विच बिठाया है, तो असीं उन्हां दी मदद ते जरूरी कर ही सकते। ठीक, ते चलो हुण आपां जानदे आं तुहाडे सितारे, शुरुआत करांगे सब तो पहला एरेज यानी मेष राशि वालियां दा। अज दा दिन किस तरह दा जाएगा, शुक्र चंद्र की युति रात 11 बजे तक बनी रहेगी, ते चंद्र महाराज बुद्ध के नक्षत्र विच, ते बुद्ध तुहाडा मित्र नहीं है जो तुहानूं देगा मसल्स प्रॉब्लम, यानी सेहत लई सितारे टिले, बिजनेस काम कर लई दिन बेहतर जाएगा, कीती हुई भज नट दा पूरा फायदा लैण लई, लग्जरी सुख लैण दे लई शुक्र चंद्र की युति दा होर शुभ फल तुहानूं मिले, ते नक्षत्र भी अच्छा रहे तां पंछियां नूं हरी मूंगी जां सतना जां पा दो, बुद्ध अच्छा हो जाएगा। गले की प्रॉब्लम तो बचने लई ठंडियां तत्तियां चीजां का परहेज करके चलो, कलर कोई भी पहन सकते हो, वैसे नीले रंग तो अज परहेज रखो जो कि राहु का कलर मन्या जाता है। टॉरस यानी वृख राशि वाले सितारे जो तुहाडे चलणगे जी, नक्षत्र मित्र ही है, धन स्थान का मालक है, शुक्र ते बुध दोनों मित्र मन्ने जाते हैं, तो इस दे नाल चंद्रमा भी जो तुहाडे पराक्रम स्थान विच चल रहा है शुभ फल रहेगा, अच्छा रहेगा, किसी ना किसी की मदद नाल रुके हुए काम तुहाडे हो जाणगे, ते फाइनांस का काम, ते जो तुसी बुद्ध नाल संबंध यानी बिजनेस वगैरह करते हो तो उहदे लई तां तुहाडा दिन अज बिल्कुल बेस्ट जाएगा। शुभ फल होर ज़्यादा रहन चंगा रहे तो सवेर तो तुलसी के पत्ते का सेवन कर लो, तो तुलसी का पेड़ धार्मिक स्थान पर लगाउण ते भी दूसरे स्थान का मालक, धन स्थान का मालक जो तुहाडे
सोच स्थान विच विराजमान है उसका भी शुभ फल तुहानूं मिल जाएगा। जैमिनी जानी मिथुन राशि वाले देखिया जाए तो नक्षत्र मित्र है अपने बारे सोचना अपने लिए सोचना खास तौर पर तुसी अज सिर्फ अपने लिए ही सोचोगे कि किदां किस तरह चीज़ों सही किया जाए। बिल्कुल सही है अपने लिए वक्त कढ़ना ही चाहिए है थोड़ी रैसट भी जरूरी है ज़्यादा भज नट करते शरीरक परेशानियां तो आदियां इन्हें मानसिक परेशानियां भी खड़िया हो जाएं ने उतावलापन बेचैनी तो बचना तुसी बुध में शुभ करने के लिए जो थोड़े लगन थोड़ी राशि का मालक है तो की करो हरा रंग पहनो तो अपनी भैन संबंध अच्छे रखो तो कंजकों जाने छोटिया कंजकों तुसी फल खाने दे सकते हो तो माता राणी दे जाके चुन्नी भी चढ़ा सकते हो दिन पूरी तरह नाल बेस्ट ते तुहानू शुभ फल देगा। कैंसर जाने कर्क राशि वाले की गल करिए तो कर्क राशि वाले के जो सितारे ने जी बुध मित्र नहीं है जिसका नक्षत्र है पर चंद्र जो है वह लगन विच है ते रात नू चला जाएगा धन स्थान विच सूरज बुध ते चंद्र की युति बनेगी ते मस्या पक्ष शुरू हो जाएगा। ठीक तो इस युति दे लई शुक्र चंद्र की युति ने तुहानू अच्छी परसनैलिटी दी है जिम वगैरह ज्वाइन करने बारे तुसी सोच रहे सी कर सकते हो थोड़ी गैस की प्रॉब्लम केतु की वजह नाल हो रही है ते रिश्ते खराब बृहस्पत राहु की युति करके कर्म स्थान विच कम कार दी भज नट भी बनी हुई है कह सकते हैं कि उलझेवें थोड़े बहुते जे भावें दिख रहे हैं पर हल हौली हौली हर चीज़ का निकलता आएगा। मंगल की मजबूती लई की उपाय करना है तुसी रैड कलर जां पिंक कलर पहनना है ते सवेर तो ही मत्थे ते केसर लगा लेना है। बृहस्पत ते मंगल दोनों का शुभ फल तुहाडे मित्र ग्रहां दी एनर्जी नूं शुभ करेगा। लियो जानी सिंह राशि वालियां दे लई अज दे दिन पीला रंग पहन सकते हो तुसी लकी कलर रहेगा तुहाडा। चंद्र 12वें स्थान विच 11 बजे तक रहेगा ते 11 तो बाद आएगा लगन विच बुध दा नक्षत्र मित्र ही है इस करके कोई भी किसी भी तरह का तुसी काम करदे हो पूरी तरह ना मेहनत ना करोगे तो दिन दे आखिर तक मन ते दिमाग दोनों ही स्टेबल रहेंगे संतुष्टि बनी रहेगी कि जिन्ना किता जिन्नी मेहनत की उस अनुसार तुहानू पूरा पूरा फल मिलेगा। ठीक तुहाडी दित्ती सलाह भी बिल्कुल अच्छी है राजनीति विच भी नेम फेम लई सितारे अच्छे है बुध इनकम ते प्रॉफिट ते कुटुंब दा मालक है घर मकान प्लॉट लैण लई भी कीती गई शुरुआत तुहाडी एनर्जी नूं भी वधाएगी ते सब दा साथ भी मिल जाएगा। कोई उपाय वैसे करन दी जरूरत नहीं है फिर भी अगर सिर दी कोई प्रॉब्लम होवे तां गुड़ दा सेवन ना करो। वर्गो जनी कन्या राशि वालियां नूं जो सितारियां दे हिसाब नाल इनकम स्थान विच शुक्र चंद्र दी युति है तो इनकम तो अच्छी है तो प्रॉब्लम कित्थे है चंद्र रात तो बाद 12वें स्थान विच चला जाएगा तो इस करके पूरा दिन अपने पूरे कम्मकारां नूं व्यवस्थित तरीके नाल करो किसी भी काम नूं कल ते ना टालो कल तो टाले गए काम तुहाडे कम्मकारां नूं भी खराब करनगे ते रुकावटां भी वध जाणगियां। नाल ही जो लगन विच बैठा होया मंगल है तो उसकी एनर्जी तुहानू नैगेटिव प्रभाव ना पावे तो एक नारियल लो तो अज हनुमान जी दे रख दो मंगलवार का दिन है इसका भी उपाय हो जाएगा तो नाल तुहानू इसका मंगल के नैगेटिव प्रभाव तो भी छुटकारा मिल जाएगा। मतलब 8वें खाने का मालक है जो लगन विच बैठ के थोड़ी सेहत खराब कर रहा है थोड़ा बीपी वधा रहा है अंगूठे च पैरों च दर्द दे रहा है तो यह सेहत लई जो सितारे ढिले चल रहे हैं उसका भी फायदा तुहानू हो जाएगा। लिब्रा जानी तुला राशि वाले लगन च बैठा होया केतु एनर्जी तो काफ़ी है अच्छा है तो रस्ते भी तुहानू अच्छे मिल रहे हैं पर लग रहा कि मंजिल नहीं मिल रही जिस पासे नू भी दित्ती गई सलाह जां लई गई सलाह पासे तुसी तुरदे हो तो काफ़ी सारिया रुकावटां तुहानू मिलदियां ने एकदम कम चल पैंदा है क्योंकि केतु उचाई दा कारक है तो उस तो बाद हौली हौली डाउन होना मतलब नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ग्रहां की शुभता दे लई की करना है जी तुसी एक तो रात नू सफेद चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना बुध नक्षत्र भावें मित्र है पर फिर भी इन्वेस्टमेंट करते समय चंगी तरह जांच परख के ही पैसा लगाओ तो वड्डी इन्वेस्टमेंट करने लई समा बेहतर नहीं है तो थोड़ा सोच समझ के माता पिता की सलाह नाल एक्सपर्ट बंदे की सलाह नाल किते काम ही असल विच तुहानू लाभकारी हो सकते हैं। कलर कोई भी पहनो गुलाबी रंग तो अज परहेज रखो वैसे पीच कलर तुहाडा लकी रहेगा। अगली राशि लैने जी आप स्कॉर्पियो जानी वृश्चिक राशि वाले सितारियां दे हिसाब दे नाल जी 9वें स्थान विच चंद्रमा पूरा दिन रहेगा तो किस्मत का साथ तो मिलेगा ही शुक्र चंद्र की युति अच्छी मनी जाती है घर विच छोटी मोटे जिहा कलेश जरूर हो सकता है पर तुसी उस नूं संभाल लवोगे क्योंकि मंगल की एनर्जी जो है बिल्कुल शुभ है तो बुध का नक्षत्र भावें मित्र नहीं है इस करके बैलेंस जो चीज़ों नूं तुसी कर रहे हो तो उस विच अमल भी करना चाहिए मतलब टाइम टेबल बनाया ही होया है पर तुसी उस मुताबक चल नहीं रहे तो अगर व्योतमान तरीके नाल नहीं चलोगे तो स्थितियां हाथ विच नहीं आउणगियां। विद्यार्थियों तुसी तां पढ़ाई नूं टाइम जरूर दो ता ही सही नतीजे की आस तुसी कर सकते हो
9 ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੀਣਾ ਤੇ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਹੇਜ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਜੀਟੇਰੀਅਸ ਯਾਨੀ ਧਨੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੰਦਰਮਾ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। बुद्ध का नक्षत्र नुकसान नहीं करेगा, अश्लेषा नक्षत्र है, पर क्योंकि गंढ मूल का नक्षत्र है इस करके लगे भी किसी भी तरह नाल सरकारी जां कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर जां कोई पुलिस उलझेवा पै रहा है तो शुक्र ते चंद्र 8ਵੇਂ स्थान विच होण करके बहुते मुद्दों ते चुप रहना ही वधिया लगेगा। मतलब जिथे ना मंगी जाए उत्थे अपनी सलाह नहीं देनी, नशे तो दूरी बना के रखनी है, हल्का म्यूजिक सुनते रहना है ताकि नक्षत्र का साथ मिलता रहे ते गांव रोटी पाने जां बदाना बच्चों में वंडन से अज के दिन का उपाय भी हो जाएगा। कैपरीगोन मकर राशि वालों के लिए धन लिए कामकार लिए किस्मत चमकाने लिए विदेश लिए सितारे होए तुहाडे शुभ, प्रॉपर्टी का अच्छा फायदा तुहानू हो जाएगा तो पैसा भी आ जाएगा। रात तक विदेश तो पैसा आने भी काफ़ी आसार बदन देंगे तो विदेश यात्रा लिए भी तुहाडे जो है तुहानू सफलता मिल जाएगी। चंगा रहेगा राहु की एनर्जी को शांत करने लिए एक नारियल लेके अज जल प्रवाह कर दो ते नाल स्काई ब्लू रंग पहनो। अक्यूरस यानी कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों के लिए जो देखा जाए तो शुक्र चंद्र की जुती 8ਵੇਂ स्थान विच बनी, सॉरी 6ਵੇਂ स्थान विच बनी, 6ਵੇਂ तो जाएगी 7ਵੇਂ स्थान विच, रात तो बाद ता अच्छा है पर शाम तक जो बुध का नक्षत्र है वह अष्टमेश भी है, भावें मित्र है सोच स्थान का मालिक ही है। अगर सोच अपनी सही रखते हो तो समझो कि रस्ते भी सही मिलेंगे ते नाल कम्मा कारा की सफलता भी मिलेगी। खास तौर पर नौकरी करने वाले अपने काम नूं समय सिर ते नबेड़ लेना चाहिए है, कर लेना चाहिए है ते नाल सरकारी नौकरी तुसी करदे हो तो अपने आले दुआले जो तुहाडे कलीग ने तुहाडे नाल काम करदे आ तो उन्हां दा सहयोग तुहानू मिले तो इस दे लई अपने बुध ग्रह नूं ते अपने लगन दे मालक शनि नूं शुभ करन दे लई एक दुध दा पैकेट अज तुसी हनुमान जी दे मंदर रख सकदे हो जां लड्डू भी चढ़ा सकदे हो। अगली राशि पाइसिस यानी मीन राशि वाले, मीन राशि वालों के लिए केतु 8ਵੇਂ स्थान में राहु दूसरे स्थान में शुक्र चंद्र की युति बनी सोच स्थान में तो बुध का नक्षत्र ठीक ही है, भावें मित्र नहीं है पर सरकारी कामों लिए शुभ है ते नाल राजनीति लिए भी बिल्कुल शुभ है क्योंकि मंगल बिल्कुल 7ਵੇਂ स्थान में बैठ के तुहाडा कॉन्फिडेंस बना रहा है। टैंपरेरी तौर पर बन रहा मंगलीक योग की वजह करके अग्रैशन से गुस्सा रिश्ते के कामकारां नूं खराब भी कर सकता है तो सब नाल सही तरीके नाल तुहानूं फायदा होवे तो उसके लिए थोड़ा अपने सुभाव में नरमी लैके आनी बहुत जरूरी हो गई ते नाल हल्के रंग पहनो ते पीले रंग के फुल जां चिट्टे फुल राधा कृष्ण के चरणों च चढ़ा के आओ बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल की जो बृहस्पति राहु ते दृष्टि पै रही है वह भी शुभ रहेगी ते जो नक्षत्र की वजह नाल कोई नुकसान हो रहा है जां नुकसान नहीं कह सकते आपां डिले हो रहा जां मन बेचैन हो रहा तो वह भी सही होना शुरू हो जाएगा। ये सी जी तुहाडे सितारे ग्रह मुताबक की प्रभाव पाउंदे आ, ग्रह गोचर नक्षत्र मुताबक आपां तुहानूं दस्सिया। स्टडी रूम बहुत मायने रखता है जिथे बैठ के शांति नाल तुसी पढ़ सको, जिथे बैठ के शांति नाल कोई विचार वटांदरा कर सको, नॉलेज मतलब सिक्ख्या ते नवीं चीज़ां दी सिखदे रहना ही असल च सिक्ख्या। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं हुंदी, कदे भी तुसी पढ़ सकते हो। अगर तुसी तुहानूं किताबां पढ़न का शौक है तो समझो तुसी कदे डिप्रैशन च नहीं जाओगे, ज्ञान लैण का शौक है तो समझो तुसी अपने आप नूं बड़ी जल्दी ठीक कर सकते हो। तो इस करके किताबां जो ने बुद्ध दियां ते बृहस्पति दियां ते शनि दियां कारक मनियां जांदियां। अगर तुहाडे तुसी किताबां पढ़ते हो तो बुद्ध शनि ते आपां कह सकते हैं बृहस्पति ते नाल बुद्ध शनि ते बृहस्पति दियां कारक क्योंकि ज्ञान दियां कारक ने तो शनि जो अखर दी शाही दा कारक है ते पेपर जो है बुद्ध दा कारक है तो इस करके तीन ग्रहां दी एनर्जी नूं शुभ करन दे लई भावें एक पेज दो पेज रोज़ पढ़ो तो किताबां जरूर पढ़ो, इस दे नाल ज्ञान विच भी वाधा हुंदा है ते नाल साढ़े तीन ग्रह भी शुभ हो जाते हैं। किसी पढ़ने वाले बच्चे की अगर तुसी मदद करते हो किताबां द्वारा वह पढ़ना चाहता पर उस कोल किताबां नहीं मिल रही तो समझो इस नाल भी तुहाडे तीन ग्रह ते घर दा औरा बिल्कुल सही हो जाता है। किताबां नूं हमेशा वैसट जा नॉर्थ ईस्ट विच ही रखना चाहिए है ता कि अच्छे तरीके नाल संभाल के झाड़ के रखो ते उस दे लई समझ के चीज़ नूं समझन दे लई समझ के पढ़न दे लई हमेशा तुहाडा फेस ईस्ट जां मतलब पूरब जां नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व वल होवे तां बड़ा वधिया जो असीं पढ़ रहे हुंदे आ साडे दिमाग च वी पैंदा रहिंदा। ए सी वास्तु टिप, समा हो गया इजाजत दा, आप सब दा अज दा दिन बहुत शुभ जावे, खुश रहो मुस्कुराउंदे रहो ते मैनूं दो इजाजत, सत श्री अकाल।